टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। सो मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर फर्स्ट क्लास सेवन्थ का ऑन इक्वलिटी सिविक्स की आपकी ये बुक है। अपार्ट फ्रॉम बींग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। कोई गरीब है ठीक है, लेकिन गरीब आपको पता है कोई इंसान गरीब होता है तो उसके साथ इक्वालिटी नहीं होती है ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, दैट इज़ समथिंग देयर। बट क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो इंसान पुअर है वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग इन इक्वालिटी को फेस करते हैं, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। आपको नीचे दो स्टोरीज दी गई हैं, उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से इनइक्वालिटी लोगों ने फेस करी है। ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। जो दोनों आपकी जो स्टोरी आप पढ़ेंगे बेटा जी वो रियल इंसिडेंट्स पे है, वो सचमुच है, वो ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी आपकी बनाई है, स्टोरी नहीं है, वो रियल इंसिडेंट्स है लोगों से रिलेटेड, लोगों की लाइफ से रिलेटेड। और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे इनइक्वालिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, क्या है इसमें। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो आप लोगों ने भी आई थिंक सो ये चीज़ देखी होगी, होप सो ठीक है। इंडिया में इनइक्वालिटी होती है सबसे ज़्यादा किस तरह से होती है, कास्ट सिस्टम को लेके, कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी लोग देखते हैं। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया यू कास्ट आइडेंटिटी सॉरी योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग। रूरल मतलब क्या होता है, गाँव में। तो अगर आप गाँव में रहते हैं ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि इनइक्वालिटी कैसे इंडिया में अभी होती है, आपने बहुत छोटी सी एज में ही इनइक्वालिटी देख ली होगी अगर आप गांव में रहते हैं तो। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको लगता होगा कि शायद अब कास्ट सिस्टम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि गांव और शहर के बच्चों में डिफरेंस आता है ठीक है, गांव के बच्चों को कल बच्चे जो है एक्सपीरियंस कर लेते हैं इनइक्वालिटी अपने बचपन में ही देख भी लेते हैं, जबकि शहर के बच्चों को लगता है कि कास्ट सिस्टम अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडिया। यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइन दी हुई है और इन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को देख के पता चलता है किस तरह से अर्बन इंडिया में शहरों में भी कास्ट को लेके इनइक्वालिटी की जाती है। हाईली एजुकेटेड बहुत पढ़े लिखे हैं फिर भी इनइक्वालिटी करते हैं, वो स्टोरी है। तो अभी जो स्टोरी स्टार्ट होने जा रही है वो दलित चाइल्ड की है जो स्कूल जाता है, स्कूल अटेंड करता है ठीक है। तो देखते कैसे उसके बाद इनइक्वालिटी हुई। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास सिक्स बुक। सिक्स क्लास में आपने पढ़ा होगा, आई होप आपको याद होगा सबको ठीक है। सिक्स क्लास में भी आपने किसी दलित बच्चे के बारे में पढ़ा था ठीक है। दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित एक ऐसा वर्ड है जो लोअर कास्ट को लोग बोलते हैं ठीक है, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको दलित बोला जाता है। दलित मीन्स, अब दलित का मतलब क्या होता है उनके अकॉर्डिंग, दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ ठीक है। इस जब देखें आप किसी इंसान को दलित बोल रहे हो उसका मतलब टूटा हुआ है, तो देखिए किस तरह से उन लोगों को बुरा लगता होगा। इस तरह से वो कोई छोटे कास्ट के जो लोग होते हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ भेदभाव हुआ जाता है ठीक है। उनको मतलब कहते हैं ना, हर तरह से उनको डीमोटिवेट किया जाता है ठीक है। यहाँ पर स्टोरी पढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं जो वो एक दलित, वो मतलब दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही अच्छे राइटर हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन ही राइट्स, उनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है झूठन, उसमें वो क्या लिखते हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है इस वाली बुक में, एक झूठन बुक है उसमें उन्होंने स्टोरी बताई अपनी, क्या बोलते हैं वो, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। मुझे अपनी क्लास में सब बच्चों से दूर बिठाया जाता था, और दूर भी बिठाया जाता था और ज़मीन पे भी बिठाया जाता था, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, मुझे फ्लोर पे बिठाया जाता था, ज़मीन पे बिठा देते उन्हें ठीक है।
The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. कभी मुझे ज़मीन पर बिठा देते, कभी मुझे मैट चटाई भी नहीं देते थे उनको बैठने के लिए. एंड कभी कभी उन्हें डोर में, जो क्लासरूम का डोर होता था, वहाँ पर बिठा देते थे. और कभी कभी उन्हें बिना किसी रीज़न के मार देते थे. टीचर्स भी ऐसे करते थे इवन दो. ठीक है. व्हेन ही वॉज इन क्लास फोर्थ, जब वो क्लास फोर्थ में थे, द हेड मास्टर आस्क ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड. जो उनके हेड मास्टर थे, उनके जो टीचर थे, उन्होंने उनको बोला कि ना झाड़ू लगा दो प्ले ग्राउंड में स्कूल के. ठीक है. ही राइट, द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल साइज यू कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट. उन्होंने बोला कि जो स्कूल का प्ले ग्राउंड था वो मतलब मैं कितना सा हूँ, मैं कौन सी क्लास में हूँ, फोर्थ क्लास में हूँ, और वो इतना बड़ा प्ले ग्राउंड मेरा मैं ठीक कर दूँ, मतलब मैं साफ़ कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं था. मतलब बहुत मुश्किल काम उनको दिया गया था कि प्ले ग्राउंड को साफ करो. अच्छा चल, स्मॉल साइज कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बैग बिगेन टू एक्ट, माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट. तो जब मैंने बताया आपको कि उनका इतना बड़ा ग्राउंड था कि उनको देखिए साफ़ करना बहुत मुश्किल था, आपको पता है स्कूल के प्ले ग्राउंड कितने बड़े होते हैं. ठीक है. तो उन्होंने साफ़ किया और साफ़ करते करते उनके मतलब कहते हैं ना इतना दर्द हो गया उनके कंधों में, हाथ में. ठीक है. और उनका पूरा जो फेस था वो डस्ट थे, यानी मिट्टी से, कहते हैं मिट्टी से सन गया. डस्ट हैड गॉन इन साइड माई माउथ. तो डस्ट हैड गॉन पड़ा था आगे, तो इन साइड माई माउथ मतलब उनके मुँह के अंदर मिट्टी चली गई. चलिए मतलब देखिए मिट्टी में काम करेंगे तो ये तो हो ही जाएगा. द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग. जो मेरी क्लास के और बच्चे थे वो पढ़ रहे हैं और मैं स्वीपिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं झाड़ू मार रहा हूँ. हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी. और जो वहाँ के मेरे मतलब मेरे जो टीचर हैं वो रूम में बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं और मतलब और बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मुझे बैठ के देख भी रहे हैं. आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर. और उनको पानी पीने की परमिशन भी उनके सर ने नहीं दी. I swept the whole day from the doors and window of the school room. The eyes of the teacher and the boys saw this spectacle. So, देखिए उन्होंने पूरे दिन में काम कर रहे हैं, उनको पानी भी नहीं पीने दिया और सारे टीचर्स और क्लासेस के टीचर्स भी, बच्चे भी उनको देख रहे हैं. ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दिस ओनली केम टू एन एंड वेन हिज फादर. यहाँ तक क्या बोला है कि और ये नहीं, उसी दिन बहुत सारे दिन आगे बहुत दिनों तक उन्होंने अपने स्कूल को, प्लेग्राउंड को साफ किया. लेकिन ये देखिए वो स्कूल साफ कर रहे, इसका एंड कब आया, जब उनके फादर, व्हेन हिज फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाय, जब वो स्कूल से स्कूल के मतलब जा रहे थे, स्कूल की तरफ से जा रहे थे, सॉ हिज सन स्वीपिंग. तो मतलब उनके पापा जा रहे थे स्कूल की तरफ, उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने देखा कि उनका बेटा स्वीपिंग कर रहा है, झाड़ू मार रहा है. ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ. उन्होंने बहुत ज़ोर से बोला ताकि सारे टीचर्स सुन ले. ठीक है. उन्होंने क्या बोला, और उन्होंने पहले ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला ताकि सारे टीचर्स सुन ले कि आई एम लिविंग नाउ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम सारे टीचर हो, टीचर की एक रिस्पेक्ट भी होती है. देखिए इसलिए भी उन्होंने उनको छोड़ दिया, उनको ज़्यादा उल्टा नहीं बोला. पर उन्होंने क्या बोला, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हेयर इन दिस स्कूल, कि वो इस स्कूल में ज़रूर पढ़ेगा. एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम. वो इस स्कूल में ज़रूर पढ़ेगा और सिर्फ वही नहीं, हर उस जैसा हर एक बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, क्योंकि वो दलित मानते थे उनको, है ना, इसलिए. और देखिए उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि ओम प्रकाश ने अपनी बुक लिखी है तो उस बुक का नाम है झूठन. मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, देखिए झूठन अ दलित लाइफ, ये उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ये बुक लिखी थी. यहाँ पे लिखा भी होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित बॉय थे, फेमस राइटर, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है झूठन. ठीक है. तो ये फर्स्ट स्टोरी ये है. तो देखिए ये स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई, आपके क्या व्यू पॉइंट है इस स्टोरी को लेके, आपको क्या लगता है क्या गलत क्या सही, जो भी आपके पॉइंट मतलब जो भी आपके दिमाग में आता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपका व्यू पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड. ठीक है. तो चलिए सेकंड स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ. द सेकंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सिटीज एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. जो सेकंड स्टोरी, देखिए पहले वाली स्टोरी तो हमारी ओम प्रकाश जी की थी, जो सेकंड स्टोरी देखिए कहाँ हुई है, वो सिटी में ही हुई है और ये ऐसी चीज़ हुई जो मोस्टली कॉमनली होती ही है, बहुत लोग इस चीज़ को सफ़र करते हैं.
इट इज़ द स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी। जो ये स्टोरी है वो मिस्टर और मिसेज अंसारी दोनों हस्बैंड वाइफ है, देखिए मिस्टर और मिसेज लिखा है, उनकी स्टोरी है। हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। तो जो मतलब कहते हैं ना रेंट पे, किराए पे घर बोलते हैं जिसे, तो जो ना किराए पे घर ढूंढ रहे थे। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। तो उनको क्या है, उनके पास पैसे की देखिए कमी नहीं थी, उनके पास पैसे थे, वो इजीली अपने लिए एक अच्छा सा घर बुक कर सकते थे, तो पैसे की कमी उनके पास नहीं थी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। तो देखिए प्रॉपर्टी डीलर, आपको पता है प्रॉपर्टी डीलर के पास वो गए हेल्प के लिए कि हमें घर दे दीजिए। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। दे विजिट, तो देखिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि मुझे पता है एक अपार्टमेंट, मैं आपको बता देता हूँ। तो उनको उनके साथ उनको ले गया, यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है दे विजिटेड। तो पढ़ते हैं, दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक इट वेरी मच एंड डिसाइड टू टेक इट। तो अंसारी ने डिसाइड कर, अंसारी जो है प्रॉपर्टी डीलर के साथ गया, फर्स्ट अपार्टमेंट देखा और उसको इतना पसंद आया कि उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं यही अपार्टमेंट लूँगा, मतलब यही घर लूँगा रेंट पे, आपको पता है, ठीक है। हाउएवर, यहाँ पे है हाउएवर, व्हेन द लैंडलेडी मतलब मकान मालकिन फाउंड आउट देयर नेम्स, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट। तो उन्हें उस मतलब मकान मालकिन आई, उसको उन्होंने उनका नाम, उनको पता चला कि वो अंसारी से जो भी है ना, तो उसने बोला कि मैं ऐसे लोगों को अपने घर में नहीं रख सकती हूँ जो मीट खाते हैं, बिकॉज जो ये पूरी बिल्डिंग में जो सारे लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं, वो मीट नहीं खाते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को अपने अपार्टमेंट में नहीं रख सकती हूँ जो मीट खाते हैं, ठीक है। तो जो लैंड लेडी, उसने यही बोला कि मेरी जो पूरे मतलब जो मेरा पूरी रेजिडेंट है पूरी बिल्डिंग में कोई भी मीट नहीं खाता है और आप मीट खाते हैं, तो उसने इस तरह से एक्सक्यूज़ बना दिया। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस, ठीक है। उस उन्हें मतलब उस लैंड लेडी ने उन्हें तो बोल दिया कि मेरी बिल्डिंग में कोई भी मीट नहीं खाता और आप मीट खाते हो, इसलिए मैं आपको घर नहीं दे सकती हूँ, लेकिन वो सरप्राइज कब हुए प्रॉपर्टी डीलर भी और अंसारीज भी, जब उन्हें थोड़ी मतलब कहते ना पास वाले अपार्टमेंट से उन्हें फ़िश की खुशबू आ रही थी पकने की, तो उन्हें लिटिल बिट सरप्राइज हुआ कि वो क्या बोल रही है, तो खुशबू आ रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं, द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। जब वो सेकेंड में गए थर्ड में, तो सेम लोगों ने यही एक्सक्यूज़ बोल के उनको निकाल दिया कि आप मीट खाते हो तो मैं आपको, हम आपको नहीं रख सकते। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar। तो प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस सरनेम से, इस नाम से तो कोई अपार्टमेंट मिलेगा नहीं, तो एक काम कीजिए अपना नेम ही चेंज कर दो और मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लो, ठीक है। उन्होंने बोला, किसने, प्रॉपर्टी डीलर ने। द अंसारीज वर रिलुकेटेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए अगर कोई आपको भी अपना नाम चेंज करने के लिए बोलेगा तो मुझे भी नहीं लगता कि आप में से भी कोई करेगा, ठीक है, अपना नाम अपना सरनेम कोई भी चेंज नहीं करना चाहेगा, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंगली टू गिव दैम अ प्लेस ऑन रेंट। उन्हें कितना क्या, एक सेकेंड, हाँ, उन्हें महीना लग गया पर मतलब उन्हें घर मिला ही नहीं, कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें कहे कि आइए हमारे घर में रहिए, रेंट में किसी ने उन्हें घर नहीं दिया। चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अब आप सब अपनी बुक को लेके बैठिएगा और मैं पढ़ दूँ साथ में, आप देखिएगा, बुक ज़रूर लेके बैठना। चलिए शुरू करती हूँ मैं। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बॉर्न इनटू। देखिए पहले क्वेश्चन है यहाँ पे दो, मैं आपको इनका मतलब बता देती हूँ। देखिए, इफ़ यू वर वन ऑफ द अंसारीज हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्ड टू द सजेशन दैट यू चेंज योर नेम। अगर आप अंसारीज में कोई एक होते, मतलब आप मिस्टर मिस्टर अंसारीज को एक होते, मतलब बेसिकली आप अंसारीज होते, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता कि आप अपना नेम चेंज कर दीजिए, ये क्वेश्चन है। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें, ये मुझे कमेंट करके बताना। और सेकेंड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो मैं ये क्वेश्चन अंसारी से था, अब ये क्वेश्चन इसमें से आया, तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगी, बट इसको लेके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या व्यू पॉइंट है, और अपना व्यू पॉइंट आप ज़रूर बताइएगा मुझे, बहुत ज़रूरी है अपना व्यू पॉइंट बताना यहाँ पे।
चलिए स्टार्ट करते हैं. यू हैव अंडरस्टूड बाई नाउ दैट द कास्ट वी आर बॉर्न इन टू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर मेल और फीमेल, दीज आर ऑफ्टन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली. देखिए अभी तक हमने इतना चैप्टर पढ़ लिया, आप समझ ही गए होंगे किस तरह से ये डिपेंड किया जाता है. जैसे कि कुछ इसमें भी यही बोला गया था कि हमें रिलीजन के बेसिस पे, हमारी कास्ट के बेसिस पे, हम मेल हैं फीमेल हैं, इन सब रीजंस की वजह से हमें इक्वालिटी से ट्रीट नहीं किया जाता, हमें अनइक्वल ट्रीट किया जाता है. ठीक है, देखिए कास्ट मतलब होगा कि आप कौन सी कास्ट के लिए, आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, कास्ट मतलब ये होता है. एंड रिलीजन मतलब क्या होता है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियनिटी कौन सा आपका रिलीजन है. एंड जब भी आपको ये रिलीजन एंड कास्ट दिया जाएगा तब समझ जाना इसका मतलब क्या है. तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. सो देखिए मैंने आगे आपको स्टोरी बताई थी ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज की. तो कह रहे हैं कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और अंसारीज हैं उनको भी अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था. किसके बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे. ओम प्रकाश को कास्ट पे एंड और सॉरी अंसारीज हैं उनको रिलीजन के बेस पे अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था. तो अनइक्वल जब हमें ट्रीट किया जाता है तो उसकी ये रीजंस होते हैं. व्हेन पर्संस आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड. देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब पर्सन को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है तो उनकी जो डिग्निटी होती है उसमें क्या होता है, अफेक्ट पड़ता है. तो जिसमें डिग्निटी हमारी क्या होती है, वॉयलेट होती है. देखिए डिग्निटी मतलब क्या है कि हमारी रिस्पेक्ट, हमारा सम्मान, हमारी गरिमा. देखिए जब भी कोई आपको मतलब आपको आप स्कूल में भी जाएंगे मान लो, कभी आपको लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको अच्छा फील नहीं होता अंदर से, आपकी एक आपका सम्मान पर अफेक्ट होता है. तो यहाँ पर यही बोलो कि जब भी लोग आपको अनइक्वली ट्रीट करते हैं तो आपकी डिग्निटी यहाँ पे वॉयलेट होती है. ठीक है, द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वर वॉयलेटेड. तो इस स्टोरी में भी, दोनों स्टोरीज में भी ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारीज थे उनका वॉयलेट हुआ था उनकी डिग्निटी, बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटिंग. जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया जा रहा था तो उनकी भी डिग्निटी पे उनका सम्मान नहीं हो रहा था, उनको भी बुरा लग रहा था, अनइक्वल बेसिकली वो ट्रीट हो रहे थे. By picking on him and making him sweep the school because of his caste. उनको खड़ा कर दिया, बोला स्कूल में झाड़ू मारो. क्या रीज़न था इसका? रीज़न सिर्फ एक ही था, गलती कुछ नहीं थी. रीज़न था कि उनकी कास्ट से, वो नीच जाति से बिलोंग करते थे, वो दलित से बिलोंग करते थे. मतलब उन्होंने दलित का करैक्टर दे रखा कि तुम दलित हो. ठीक है, तो ये उनको टैग दे रखा था और इसकी वजह से उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता था. तो करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट इन द स्कूल. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स तो थे ही थे लेकिन जो टीचर्स थे उन्होंने भी उन्हें हर्ट किया था. उनकी डिग्निटी को, उनके सम्मान को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हर्ट किया गया था. उनको इक्वली और बच्चों से उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको नीचे दिखाया जाता था. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या थे, एक बच्चे थे, वो छोटे थे. तो छोटा बच्चा देखिए क्या कर सकता है, छोटा बच्चा कुछ इतना कर नहीं सकता है. वो इतने छोटे थे कि वो अपने डिग्निटी के लिए, अपने सम्मान के लिए खड़े नहीं हो सकते थे. उन्हें उस सिचुएशन को झेलना पड़ रहा था इसलिए वो चुप थे. इट वॉज हिज फादर हु ऑन सींग हिज सन स्वीप. मैंने बताया था स्वीप मतलब झाड़ू मारना होता है. तो वो इसमें क्या मतलब है इसका कि वो उनके फादर ही थे जिन्होंने देखा अपने बेटे को कि वो बेटा जो है उनका स्वीप कर रहा है, झाड़ू मार रहा है. फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स. देखिए वो इतने छोटे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोल सकते थे, बहुत छोटे थे, उनके में समझ नहीं थी. लेकिन उनके पापा ने देखा कि मेरा बेटा झाड़ू मार रहा है, उसको वो चीज़ देख के उनको इतना गुस्सा आया कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है. तब उन्होंने टीचर्स को बोला. और सेकंड देखा जाए, द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट वेन पीपल सॉरी वेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम. तो लीज मतलब रेंट ही होता है अपार्टमेंट्स टू देम. तो अंसारीज जो थे उनकी डिग्निटी, उनका सम्मान, उनके गौरव को भी हर्ट हुआ था जब अंसारीज को किसी ने घर देने से मना कर दिया था. तो उनको भी बहुत बुरा फील हुआ था. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse their suggestion. और जब उनको प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि आप
अपना सरनेम चेंज कर दीजिए तो उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, कहते हैं ना सम्मान, उन्हें उनको हर्ट हुआ, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि वी विल नॉट डू दिस, हम अपना सरनेम को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि डिग्निटी इसमें हर्ट हो रही थी। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज जो थे उनको ऐसा ट्रीट, जैसे उनको लोग ट्रीट कर रहे थे वैसा वो ट्रीट करना डिजर्व नहीं करते थे। उनकी कोई गलती नहीं थी, कोई उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया था जो उनको ऐसा ट्रीट किया जा रहा था। उनको भी सेम रिस्पेक्ट, वही सम्मान के साथ ट्रीट करना चाहिए था जैसे और लोग को ट्रीट किया जाता है। तो चलिए वो क्वेश्चन मैंने कहा था, मैं आपको उस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी वॉज वायलेटेड, हाउ डिड दिस मेक यू फील? क्या ऐसा आपकी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट आया, कोई ऐसा मौका आया है जब आपकी डिग्निटी, आपका सम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अफेक्ट हुई होगी तो, या फिर लोगों ने उसको वायलेटेड हुआ होगा, आपको उस टाइम कैसा फील हुआ था, आपको कैसा लगा था? तो आप ज़रूर इस बारे में सोचिए और बताइए, और आपके क्या व्यू पॉइंट, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो क्या हुआ था, क्या चीज़ थी, तो ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना अपने, मैं फिर बोल रही हूँ, अपने व्यू पॉइंट, आपके साथ अगर हुआ है कुछ है तो जो भी है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ उसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, क्योंकि अपना व्यू पॉइंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच हमारे चैनल में देखने के लिए, थैंक यू सो मच।